हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन निधि। आज हम बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी सूप बनाने जा रहे हैं। तो ये सूप बहुत टेस्टी होता है, आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए आज के सूप की रेसिपी शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए एक हमने ये गोभी ली है, फूल गोभी है, बिल्कुल फ्रेश है, ताजी फूल गोभी है। दो हमने टमाटर लिए, 5 से 6 हमने काली मिर्च ली है। आप इसमें अपनी पसंद से कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो आज हम फूल गोभी और टमाटर का सूप बनाएंगे। तो देखिए, हमने चॉपर ले लिया है, इस पे फूल गोभी को कट कर लेंगे, इसका 20 का फूल और इसके डंठल को हम इसमें डालेंगे। तो आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। फूल गोभी को कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने फूल गोभी को कट कर लिया है और इसका जो डंठल है उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से फूल गोभी को छोटे छोटे पार्टों में कट कर लेंगे और इसे देख लेंगे इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इस तरीके से फूल गोभी का और टमाटर का सूप बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो देखिए, गोभी को हमने छोटे छोटे पीसेस में देख कर काट कर तैयार कर लिया है। गोभी को हमने पहले ही धुलकर ले लिया था और ये दो टमाटर हैं इसको भी हमने धुलकर ले लिया है। आप जितना चाहें उतना सूप बना सकते हैं। तो टमाटर को भी कट कर लेते हैं, गोभी को कट करके एक प्लेट में डाल लेंगे। देखिए, टमाटर को भी कट कर लेते हैं। टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इसके जो ऊपर का पार्ट है इसको कट कर देंगे। और टमाटर को भी 2 से 3 भागों में छोटा छोटा काट लेंगे, जिससे ये अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, टमाटर भी कट के हमारे तैयार हो गए हैं और ये 2 से 3 गोभी के बीच वाले डंठल है उनको हमने गोल कट कर लिया है। तो इससे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। गैस पर एक पैन को रख देंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं, सूप बनाना शुरू करते हैं। तो ये 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तैयार हो जाता है। पैन में 1 गिलास पानी हमने डाल दिया है, पानी में बॉयल आने देंगे। तो इसे कुछ देर के लिए ढक्कन से ढक देते हैं, पानी को अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे। उसके बाद ही इसमें टमाटर और गोभी ऐड करेंगे। तो देखिए, पानी में बॉयल आने लगा है तो इसमें सब्जियाँ ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, दोनों सब्जियों को मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, इसमें नमक ऐड कर देंगे, नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे और इससे हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक को मिक्स कर देते हैं और इसे ढककर पकाएंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद इसे छानेंगे। तो गैस का फ्लेम सिम कर देंगे और इस पर एक ढक्कन ढक देंगे और इसे कुक होने देंगे। जब ये सब्जियाँ अच्छे से मैश हो जाएंगी तभी हमारा सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को चेक करके देख लेते हैं। सब्जियाँ हमारी अभी अच्छे से कुक नहीं हुई हैं और पानी में अच्छा बॉयल बना हुआ है। तो इस तरीके से इनको 1-2 बार चलाते रहेंगे तो और कुक होने देते हैं। फिर से ढक्कन ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो देखिए, जब तक हमारी सब्जियां अच्छे से कुक हो रही हैं तब तक हम 3 से 4 ये काली मिर्चों को दरदरा कूट कर तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने काली मिर्च को कूट लिया है। अगर किसी को बुखार या फिर पेट में कोई तकलीफ हो तो इस तरीके से सूप बनाकर उसको आप दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, उसे ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखिए, सब्जियों को फिर से चेक करके देख लेते हैं, सब्जियाँ हमारी अच्छे से कुक हो गई या नहीं। तो देखिए, सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इन्हें तो देखिए, इन्हें स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स कर देते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो सूप बनकर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी सूप बना है। तो इसे एक छलनी की हेल्प से छान लेते हैं और इसकी जो ऊपर की सब्जियाँ बचेंगी उसको आप कोई सब्जी में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका पराठा या फिर चीला में डाल सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो एक छलनी से नीचे बाउल में हम इसको छान लेंगे। तो सूप को इस तरीके से दबाते हुए स्पैचुला की हेल्प से हम सब्जियों को दबाकर छानेंगे, जिससे इसका पूरी तरीके से जो जूस है वो सूप में चला जाए। तो इस तरीके से इसको दबाकर छान लेंगे और सूप बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है, सभी को बहुत फ़ायदा करता है। तो वेट लॉस करने के लिए आप सुबह के ब्रेकफास्ट में सूप को बनाकर पी सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी हमारी वीडियो को देखकर ये ट्रिक फॉलो कीजिए। आप लोगों को ये सूप की रेसिपी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सूप बनकर हमारा तैयार हो गया है, तो इसे एक ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1 गिलास में। और काली मिर्च को हमने इस तरीके से कूट कर रख लिया है। तो देखिए, इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो इस तरीके से काली मिर्च को हमने क्रश करके डाला है, तभी इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग चाहें तो इसमें काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं, पीने के लिए सूप को 1 गिलास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत कलरफुल और बहुत ही हेल्दी सूप बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करके देखिए, बहुत ही हेल्दी बना है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। नमक को मिक्स कर देंगे।
वेजिटेबल सूप बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसे गार्निश कर देते हैं धनिए की पत्ती से, तो यह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही हेल्दी और एकदम मस्त वाला सूप बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिए। अगर आप लोगों को हमारी सूप की रेसिपी पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुँचे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।